अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की जयंती आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने तिलका मांझी के स्टेच्यू पर फूलमाला अर्पित कर किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के पदाधिकारी अमर शहीद तिलका मांझी की जीवन गाथा से संबंधित उनकी वीरता का बखान करते दिखे। वहीं कुलपति ने इस कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि तिलका मांझी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी वीर गाथा से हमें सीख लेनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय शहीद तिलका मांझी के नाम पर है, जो हम सबों के लिए गौरव की बात है। हम उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दर्जनों पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। तिलका मांझी जी का जन्म दिवस पर जन्म उत्सव मना रहा है, बड़े धूमधाम से मना रहा है। आप सभी जानते हैं कि तिलका मांझी जी एक आदिवासी जनजाति के थे और जिन्होंने खासकर पहाड़ी जातियों के लिए उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, और वो मैं समझता हूँ कि भारत के पहले आदिवासी नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया। इसलिए प्रथम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम में उनका नाम जो है वो लिया जाना चाहिए। दुख की बात यह है कि इतिहासकारों ने स्वतंत्रता सेनानियों के अंतर्गत बहुत सारे लोगों का नाम जो है दर्ज किया है, लेकिन इतिहास के पृष्ठों में जो इनका नाम दिया जाना चाहिए था वो ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर AIDSO छात्र संगठन के द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित अमर शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए धूमधाम से उनकी जयंती मनाई गई और शहीद तिलका मांझी को याद किया गया। तिलका मांझी जयंती के मौके पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भागलपुर जिला कमेटी द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में तिलका मांझी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तिलका मांझी एक व्यक्ति नहीं, यह संघर्ष का प्रतीक है। अन्याय और जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होकर के जहां भी हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए ही तिलका मांझी प्रेरणा के स्रोत हैं। अब भागलपुर और बिहार के युवा भी अमेरिका के कैम्ब्रिज स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन जुड़कर कोर्स कर सकेंगे। दरअसल राजभवन के निर्देश पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्पायर लीडर प्रोग्राम का ऑनलाइन संचालन किया जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं को लाभ मिल सकेगा। यह जानकारी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति ने बताया कि यह प्रोग्राम पूरी तरह से निःशुल्क है, जिसमें 18 से 26 वर्ष के युवा के अलावा नौकरी पेशा लोग भी यह कोर्स कर सकते हैं। जबकि जो भी यह कोर्स करने के लिए इच्छुक होगा उसके परिवार की वार्षिक आय 60 लाख से कम होनी चाहिए। कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल ने कहा कि स्पायर लीडर प्रोग्राम के तहत 14 सप्ताह के इस कोर्स के लिए इंटरमीडिएट या प्लस टू में अंग्रेजी विषय होना अनिवार्य है। कुलपति ने बताया कि इस प्रोग्राम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर लेक्चर देंगे, जिसका लाभ छात्र छात्राओं को मिल सकेगा। बता दें कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय में इस प्रोग्राम के संचालन की जिम्मेदारी DSW प्रोफेसर विजेंद्र कुमार को सौंपी गई है, जबकि इस कोर्स के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च है और इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए TMBU के DSW कार्यालय में इच्छुक छात्र एवं छात्रा संपर्क कर सकते हैं। यह कोई कोर्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, मतलब केवल प्रोग्राम कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस प्रोग्राम का नाम है एस्पायर लीडर्स प्रोग्राम, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इनिशिएट की गई है और इसका उद्देश्य है कि जो यंग जो बच्चे हैं उन लोगों की जिनकी उम्र 18 to 26 ईयर्स के ही बीच है और जिन्होंने खासकर इंटरमीडिएट लेवल पर जिनको इंग्लिश की जानकारी है और जो बच्चे जिनकी घरेलू आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो वो जो है इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा तैयार किया गया है। भागलपुर में पूर्व से चल रहे टोटो चालक संघ पर आरोप लगाते हुए टोटो चालक की दूसरी कमेटी ने उसे अवैध करार दे दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि टोटो वालों से 10 से 30 रुपए तक प्रत्येक दिन लिए जाते हैं, लेकिन इसका लेखा जोखा रखने वाला कोई नहीं है।
टोटो चालक संघ के पदाधिकारियों से पूछा जाने पर उनके पास इसका कोई हिसाब नहीं होता है, जिस कारण आज दूसरा संघ बनाकर पहले से चल रहे टोटो चालक संघ पर अवैध रूप से वसूली करने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से इसे बंद कराने की मांग की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि दो गुटों के बीच बटे टोटो चालक संघ की यह बात कहां तक मानी जाती है और जिला प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। आज से डेढ़ महीनों पहले सर बाजाबरन तिलकामणि चौक पे ले रहा था 10 टका वसूली। कौन ले? यूनियन नाम पे 10 रुपया। हम लोग इसका विरोध किए थे, कोई जाएंगे नहीं। डीआईजी ऑफिस में हम लोग जो है ना एप्लीकेशन बना के दिए थे तो सर बंद हो गया। बंद हुआ तो फिर से वो जो है लखा के पास वो लोग ले रहा था 10 रुपया लेता। बहुत वैसा ड्राइवर है जो कि दिया भी है और साल भर में बोला कि जो कि 1 साल के बाद आपको 2000 रुपया वापस करेंगे। वैसा सब ड्राइवर से हम दस्तखत करवाए हुए हैं लेकिन वो वापस नहीं किया है। जो कि रजनीपुर का है वो ड्राइवर अभी तो सर यहाँ उपलब्ध नहीं है। भागलपुर के आनंदराम ढंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर में रविवार को मात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर आशा ओझा, सक्षम फाउंडेशन के अध्यक्ष संगीता तिवारी, सुल्तानगंज नगर परिषद की उपसभापति नीलम देवी और वरिष्ठ शिक्षक रविशंकर पांडे समेत कई अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान वाटिका खंड के बच्चों ने मनमोहक रंगमंचीय कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसका वहां मौजूद शिक्षक शिक्षिका अभिभावकों और अतिथियों ने जमकर लुफ्त उठाया। वहीं विद्यालय परिसर में शिशु नगरी एवं शिशु वाटिका की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जबकि इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इधर प्रतियोगिता के प्रत्येक इवेंट में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों एवं उनकी माताओं को विद्यालय की ओर से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में आगत अतिथियों का परिचय एवं स्वागत ईरा सिन्हा ने पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र प्रदान कर किया। कार्यक्रम के दौरान महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि मात्र सम्मेलन के माध्यम से बच्चों को मातृ शक्ति के बारे में बताया जाना सराहनीय पहल है और ऐसा कर्म सभी अपने बच्चों को संस्कार के साथ सर्वांगीण विकास के प्रति जागरूक कर सकते हैं। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अनंत कुमार सिन्हा समेत कई शिक्षक शिक्षिका अभिभावक और बच्चे मौजूद रहे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर के तिलकामांझी जेल रोड के समीप चंडीगढ़ की मशहूर केक एवं पेस्ट्रीज की फ्रेंचाइजी विन्नी केक्स एंड मोर आउटलेट का शुभारंभ किया गया। विन्नी केक्स एंड मोर का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की पूर्व डिप्टी मेयर सह भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रोप्राइटर संजीव कुमार, नीरज कुमार एवं राहुल कुमार ने फीता काटकर और केक काटकर किया। इस दौरान प्रीति शेखर ने कहा कि यह आउटलेट केक और पेस्ट्रीज पसंद करने वाले लोगों के लिए बेहतर विकल्प है, जहां अच्छी क्वालिटी की केक एवं पेस्ट्रीज का मजा बच्चे और युवक युवती ले सकेंगे। इधर आउटलेट के प्रोप्राइटर संजीव कुमार ने कहा कि उनके आउटलेट में मफिन, टी केक्स, डोनट्स, सैंडविच, बर्गर, फ्राइज, शेक, पिज्जा, ब्रेड एंड कस्टमाइज केक सहित कई तरह के पेस्ट्रीज की बेहतरीन क्वालिटी उचित मूल्यों पर मिलेंगी। उन्होंने कहा कि सभी आइटम की होम डिलीवरी के लिए जोमेटो एवं स्विगी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे घर बैठे भी लोग इसका आनंद ले सकेंगे। साथ ही प्रोप्राइटर संजीव कुमार ने ग्राहकों के लिए विशेष छूट की भी घोषणा की। इस दौरान सभी अतिथियों ने संचालक को शुभकामनाएं देते हुए उनके उन्नति की कामना की। मौके पर राजेंद्र मंडल, रंजीत कुमार समेत काफी संख्या में गेस्ट और ग्राहक के अलावा आउटलेट के कर्मी मौजूद रहे।
भागलपुर जगदीशपुर बाजार स्थित काली मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय काली मेला का शुभारंभ रविवार को हो गया। इस दौरान अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं मेला के पहले दिन माता काली का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि यहां प्रत्येक वर्ष माघी काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही यहां 3 दिवसीय मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिसे देखने एवं माता काली की पूजा अर्चना करने के लिए आसपास के दर्जनों गांवों से लोग आते हैं। मेला में तारामाची झूला, मिक्की माउस सहित कई मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा मेला में प्रयागराज से आए हुए कलाकारों द्वारा भव्य झांकी की प्रस्तुति भी दी जा रही है। मौके पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष गणेश कुमार, अजय कुमार, पूर्व मुखिया घनश्याम मंडल, गोपीनाथ मंडल, भारती भूषण झा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। भागलपुर सोनौला प्रखंड के छटपटिया चंडिका स्थान मुख्य मार्ग स्थित अयोध्या नगर धुआवे में रविवार को ज्ञानोदय विद्यापीठ प्ले स्कूल का उद्घाटन जदयू के प्रदेश महासचिव सह कोसी प्रमंडल के संगठन मंत्री इंजीनियर शुभानंद मुकेश, धुआवे पंचायत के सरपंच चक्रधर प्रसाद सिंह एवं मुखिया कृष्णानंद सागर ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काट कर किया। इस दौरान शुभानंद मुकेश ने उपस्थित अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा प्रगति का पैमाना है, शिक्षा के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। साथ ही उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का दाखिला भी विद्यालय में लेने की अपील की। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल सोनू कुमार ने बताया कि स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा स्कूल में नवोदय व सैनिक स्कूल की तैयारी भी करवाई जाती है। मौके पर धुआवे पंचायत के पूर्व मुखिया बिपिन बिहारी सिंह, मोनू सिंह, शहबाज आलम, सुभाष चंद्र झा समेत अन्य अतिथि मौजूद थे।